तो मैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की बात करता हूं. व्हाट इज मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज? सो विल राइट दैट. द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज so magnetic properties are observed when the atom, ion or a molecule is placed in the magnetic field, hai na. So these are observed when the atom, molecule or ion, are placed in external magnetic field, hai na. तो जब अपन को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में उनको प्लेस करेंगे, देन दीज प्रॉपर्टीज आर ऑब्जर्व्ड. ठीक है, जो भी अपन प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, दोस प्रॉपर्टीज आर ऑब्जर्व्ड व्हेन दे आर प्लेस्ड इन द एटम, मॉलिक्यूल और आयन आर प्लेस्ड इन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. राइट, तो जो प्रॉपर्टीज होते हैं अपन वो प्रॉपर्टीज देख लेते हैं. व्हाट आर दोस प्रॉपर्टीज एंड विल डिस्कस. तो जैसे अपन ने पहले तो थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर रखा है, व्हाट इज पैरामैग्नेटिक, व्हाट इज डायमैग्नेटिक, लाइक दैट. तो एक बार अपन चेक कर लेते हैं, व्हाट इज पैरामैग्नेटिक. पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज का मतलब होता है कैरेक्टर. तो वी नो दैट अगर मान लो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के मतलब है, हमारे पास अगर कोई मैग्नेट है जिसमें नॉर्थ और साउथ पोल है, तो उस मैग्नेट का अपना एक फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड. अपन पूरा ऐसे बना लेते हैं, ऐसे 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 ऐसे, बिल्कुल वैसे एक बड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड होता है सभी मैग्नेट का. इस मैग्नेटिक फील्ड में जब हम एटम को रखते हैं, तो अगर वो एटम डिफ्लेक्शन शो करता है तो अपन कहते हैं उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है. लेकिन अगर देयर इज नो डिफ्लेक्शन और negligible deflection, तो अपन कहते हैं उसे कि भाई that is not having a magnetic field, है ना. तो अपन कहते हैं कि वो it is not having a magnetic field. एक मिनट रुकना, स्क्रीन है ना, हमको और आयन को. तो किसी मॉलिक्यूल को, एटम को और आयन को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, अगर डिफ्लेक्शन है तो इट हैज अ मैग्नेटिक कैरेक्टर. इफ देयर इज नो डिफ्लेक्शन देन देयर इज नो मैग्नेटिक कैरेक्टर. तो व्हाट वी से दैट कि भाई पैरामैग्नेटिक का मतलब होता है, वी से दैट व्हेन सॉलिड प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड शोस डिफ्लेक्शन. तो जब सॉलिड को अपन मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो इट विल शो द डिफ्लेक्शन, देन दैट इज कॉल्ड पैरामैग्नेटिक इन नेचर. ठीक है ना. सो व्हेन सॉलिड प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड शोज डिफ्लेक्शन, देन इट इज कॉल्ड पैरामैग्नेटिक इन नेचर. तो ऐसे सभी मॉलिक्यूलर आयंस जिसमें partially filled orbitals होते हैं ना, वो generally shows paramagnetic character. So all molecules ions which has partially filled orbitals shows this character. Molecule or ions shows which has partially filled orbital. So which has partially filled orbital. Partially filled orbitals, orbital will show paramagnetic character, are paramagnetic. तो वो paramagnetic होता है, विषय है, है ना. तो chemistry के language में अपन उन्हें paramagnetic बोलते हैं. तो paramagnetic के लिए अपन जो example लिखेंगे वो अपन कहेंगे, देखो भाई मतलब जैसे for example molecule में तो अपन molecular orbital theory से बता सकते हैं, O2 is paramagnetic, B2 is paramagnetic, like that we can write. You know? So, we write O2 is paramagnetic, B2 is paramagnetic. Ions, we can write that Fe plus 2 is paramagnetic, copper plus 2 is paramagnetic, chromium plus 3 is, वो सारा का सारा पैटर्न बता सकते हैं जिनमें भी unpaired electron होंगे, चाहे वो atom हो, ion हो या molecule हो.
एटम्स में भी लिख सकते हैं अपन तो कि भाई एटम्स जिनमें पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर किसमें होगा, जिसमें पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल्स होगा। फिर डायमैग्नेटिक का मतलब होता है, दैट इज वी सेड डायमैग्नेटिक क्या होता है, तो डायमैग्नेटिक कैरेक्टर मींस व्हेन एटम और मॉलिक्यूल व्हेन दे आर प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड दे विल शो आइदर नेग्लिजिबल डिफ्लेक्शन और नो डिफ्लेक्शन, देन वी से दैट दे आर डायमैग्नेटिक। सो सॉलिड्स व्हेन प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड will not show any deflection or it can or there is negligible deflection. There is negligible deflection. So we'll write that it is negligible deflection. In that case, we say that it is diamagnetic. तो जिन मॉलिक्यूल के पास फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं तो वो डायमैग्नेटिक होते हैं। सो जनरली देयर इज फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स, सो सॉलिड्स विद फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स। सो सॉलिड्स बनेंगे तो मॉलिक्यूल और आयंस से ही बनेंगे, तो अपन लिख सकते हैं जनरली द मॉलिक्यूल्स और आयंस विद फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स, है ना, molecules or ions with the fully filled orbitals, filled orbitals. तो अगर हम एग्जाम्पल लिखेंगे इसमें तो इसमें ही बता सकते हैं। एग्जाम्पल अब इसमें जनरली अपन क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे NaCl हो गया, राइट, KCl हो गया मॉलिक्यूल। सो एनी मॉलिक्यूल जिसमें अपन कहेंगे कि भाई ऑक्टेट कंप्लीशन है, तो अपन कहेंगे सभी मॉलिक्यूल्स में तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से ऑक्टेट कंप्लीशन होगा या ड्यूप्लेट कंप्लीशन होगा, तभी तो वो एग्जिस्ट करता है, अपन बता सकते हैं डायमैग्नेटिक मॉलिक्यूल्स और आयंस व्हिच हैव फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स, दे विल बी डायमैग्नेटिक इन नेचर। सो दे विल बी डायमैग्नेटिक इन नेचर, ये डायमैग्नेटिक बता दें, ठीक है। थर्ड वी कैन राइट दैट फेरोमैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक में क्या होगा, दे आर परमानेंट मैग्नेट्स, इसमें मैग्नेटिक फील्ड की जरूरत नहीं है, राइट ना, दे देमसेल्फ आर मैग्नेट, सो दीज आर परमानेंट मैग्नेट्स, परमानेंट मैग्नेट विच हैज मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इवन इन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, विच हैज मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज इवन in absence of magnetic field, absence of magnetic field, right? So question भी अपन को generally इसी से पूछते हैं, क्योंकि ये दोनों तो अपन से काफी जगह atomic structure से पढ़ते आ रहे हैं और काफी जगह पढ़ाते हैं, तो question mostly अपन से ferromagnetic से पूछते हैं। तो अपन देखेंगे भी examples बता दो कि ऐसे कौन से compound हैं जिनमें permanent magnetism होता है। तो CO FeCONi तो अपन बचपन से मतलब काफी दिन से पढ़ते आ रहे हैं, ऑलमोस्ट अपन को फिफ्थ सिक्स से ही बताना शुरू कर देता है कि भाई FeCONi दे आर परमानेंट मैग्नेट, कोबाल्ट निकल दे आर परमानेंट मैग्नेट, देन यू कैन राइट दैट इट इज गैडोलोनियम, दैट इज अ एफ ब्लॉक एलिमेंट ना, फोर एफ ब्लॉक लेंथ राइट्स, गैडोलोनियम एंड CrO2, these are ferromagnetic which has a permanent magnetism, to inme magnetic properties permanently hoti hai, so they are permanent magnet. So ferromagnetism se question bhi isliye zyada puchte hain apan se, aur mostly apan se ye dono se question puchenge. To aap maine last time bhi aapse kaha tha ki ye theoretical part mein aapke liye example bahut zaruri hai, kyunki iske alawa apan se koi example nahi puchenge jo apan likh rahe hain, inme se koi ek example apan se puch liya jayega. तो अगर अपन एंटी फेरोमैग्नेटिज्म की बात करें, मैग्नेटिज्म, तो एंटी फेरोमैग्नेटिज्म में वी विल से दैट दे हैव राइट नाउ एंटी फेरोमैग्नेटिज्म भी होता है और फेरी मैग्नेटिज्म भी होता है।
फेरी मैग्नेटिज्म और एंटी फेरी मैग्नेटिज्म डिपेंड्स ऑन द पीजो और मैकेनिकल इफेक्ट ऑफ सॉलिड्स. मैकेनिकल इफेक्ट में अपन क्या करते हैं, सॉलिड्स को ना, जैसे हम मैग्नेट भी बनाते हैं ना, तो हम क्या करते हैं कि एक सॉलिड को, मतलब मेटल को, अपन हैमर से उसको मतलब हिट करते रहते हैं. तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे से ऐसे भी अरेंज हो सकते हैं, मतलब ऐसे पेयरिंग टाइप में अरेंज हो जाएंगे, और वो ऐसे भी अरेंज हो सकते हैं, मतलब वो जब हैमरिंग करते हैं अपन तो वो ऐसे भी अरेंज हो सकते हैं, कभी कभी वो ऐसे भी हो जाते हैं, तो ऐसे भी हो जाते हैं. तो जब हैमरिंग से अपन क्या करेंगे, अगर सॉलिड में इलेक्ट्रॉन सभी ऐसे अरेंज हो गए कि उनका मैग्नेटिक मोमेंट कैंसिल हो गया, then mu will be equal to zero, तो उनका मैग्नेटिक मोमेंट कैंसिल हो गया. बट इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होंगे जिनका मैग्नेटिक मोमेंट कैंसिल नहीं होगा. तो अगर मैग्नेटिक मोमेंट कैंसिल हो गया तो देर विल बी नो डिफ्लेक्शन इन राइट when they displaced in the magnetic field. And here there will be deflection in the when they are placed in the magnetic field. So is type ko apan bolte hain, these are part agar aise hoga to isko apan kehte hain that is ferrimagnetism. Agar is type se arrange honge to apan unko bolte hain ferrimagnetism. Inko apan ferrimagnetism bolte hain. So the solid in which the electrons are arranged such that their magnetic moment get cancelled, you know? So arranged such that their magnetic moment get cancelled. Due to mechanical effect. Then we call them as anti-ferromagnetic. तो उनमें जो मैग्नेटिक मूवमेंट का वैल्यू आता है वो जीरो आता है. और इसमें अगर वो ऐसे अरेंज कर लेते हैं सो दैट देयर मैग्नेटिक मूवमेंट डजंट गेट कैंसल्ड, देन दे आर कॉल्ड फेरी मैग्नेट. तो फेरी मैग्नेटिज्म में मतलब उसमें दिस डाइपोल मोमेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो. सो फेरी मैग्नेटिज्म में वी से दैट कि भाई उसमें मैग्नेटिक मोमेंट कैंसिल नहीं होता. राइट. तो अपन बता देंगे कि भाई इन दिस केस व्हेन द सॉलिड इन व्हिच द इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज्ड सच दैट electron in solid is arranged such that their magnetic moment do not get cancelled. So that type is called ferrimagnetism. So we can write that this is ferrimagnetism. So that is due to the mechanical effect. This may be very thinking, but due to mechanical effect. Hammering se apan unko सॉलिड्स को ऐसे हैमर करते हैं कि वो उनमें अगर इस टाइप से अरेंज हुआ तो वो एंटी फेरो प्रॉपर्टी शो करते हैं, और अगर इस टाइप से अरेंज हुआ तो वो फेरी मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी शो कर सकते हैं. हाँ, तो फिर अपन एग्जांपल लिख लेते हैं इसमें. इसके एग्जांपल अगर अपन लिखेंगे तो MnO2 AlCl3 इस टाइप के सॉलिड्स जो होते हैं उनमें इस टाइप की प्रॉपर्टीज आती है. और मोस्टली अपन से एग्जांपल ये वाला पूछेंगे. अगर अपन से पूछेंगे एंटी फेरो के लिए तो वो एग्जांपल सबसे ज्यादा पूछते हैं.
इसमें अगर अपन चेक करेंगे तो एग्जाम्पल, क्योंकि स्पाइनल वगैरह भी इसमें काफी एग्जाम्पल होते हैं तो इसमें अपन बता सकते हैं। फेरी मैग्नेटिज्म का सबसे कॉमन एग्जाम्पल जो होता है वो Fe3O4 होता है, वी नो दैट, मैग्नेटाइट, राइट। और उसके बाद स्पाइनल स्ट्रक्चर्स भी होते हैं, ठीक है, पर्वस्काइट स्ट्रक्चर भी होते हैं, CaTiO3, दैट इज पर्वस्काइट, या Ba2TiO3, दीज टू आर पर्वस्काइट स्ट्रक्चर, वी नो दैट। ये स्ट्रक्चर्स हैं, राइट, है पेरोवस्काइट स्ट्रक्चर। फिर अपन ऐसे बता सकते हैं, दैट इज मैग्नीशियम Fe4, दैट इज स्पाइनल स्ट्रक्चर। स्पाइनल स्ट्रक्चर में अपन जिंक भी लिख सकते हैं, क्योंकि मैग्नीशियम और जिंक का साइज ऑलमोस्ट एक जैसा होता है। Fe2O3, मैग्नीशियम Fe2O4, और दिस इज जिंक Fe2O4। सो दीज आर द स्पाइनल स्ट्रक्चर्स। ये एग्जांपल अपन से मोस्टली पूछ लेते हैं, सो दीज द एग्जांपल फॉर दैट, राइट, द फेरी मैग्नेटिज्म। तो ये स्ट्रक्चर्स भी अपन ने क्लास में पढ़े हुए हैं, वैसे स्पाइनल स्ट्रक्चर एंड द पेरोव्स्काइट स्ट्रक्चर दोनों को ही बताया हुआ है मैंने, कि इसमें कैल्शियम FCC लेटर्स होते हैं, और FCC लेटर्स में इसमें कैल्शियम एट द कॉर्नर, टाइटेनियम एट द सेंटर ऑफ टाइटल वॉइड, एंड ऑक्सीजन एट द फेस सेंटर, वो करने पड़ा। सो दिस इज अबाउट द राइट मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। तो इसमें आपको एग्जाम्पल ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंट होंगे, तो आप एग्जाम्पल को देख सकते हैं, ठीक है। और बाकी सभी में मैंने आपको ऑर्बिटल से भी बताया, इसमें भी इलेक्ट्रॉन से बताया। आप इसमें भी बता सकते हैं कि भाई पार्शियल फिल्ड, अगर इसमें ना जैसे अपन कहेंगे मोस्टली जो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होते हैं, तो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल में फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होते हैं, और फिर अपन डायमैग्नेटिक की बात करेंगे तो इसमें फुली फिल्ड ऑर्बिटल होता है। वैसे आपने लिखा हुआ फुली फिल्ड ऑर्बिटल, तो इसमें फुली फिल्ड ऑर्बिटल होंगे तो डायमैग्नेटिक होगा, और पार्शियली फिल्ड होंगे तो अपन बोलते हैं ये प्रॉपर्टी ऐसे हो जाए, या एक ही इलेक्ट्रॉन होगा आपने लिख रखा है वैसे पार्शियली फिल्ड है तो इट विल हैव अ, राइट। आई एम नॉट राइटिंग कि भाई इनका किसी का ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, लेकिन अपन ने लिखा हुआ है कि इसमें अगर प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड और उसमें पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल होना चाहिए, तो ये पार्शियली, दैट इज द राइट। तो अपने पास ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, ठीक है। मैंने शायद लास्ट टू लेक्चर्स के नोट्स नहीं भेजे हैं, उसको अपलोड नहीं किया है, तो मैं उसको अपलोड कर दूंगा, लास्ट टू लेक्चर्स का, ना, ठीक है, मैं उसको अपलोड कर दूंगा। सो दिस इज अबाउट द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज व्हाट वी हैव, है ना। वैसे तुम्हारे यहाँ क्या आज क्या नेट इशू भी है क्या? कुछ बच्चों का मैसेज आया था, एक दो बच्चों का नेट इशू है सर। अब क्या नेट इशू तो नहीं है ना आज? कोई नेट इशू है क्या आज विरार में? कुछ बच्चों का मैसेज आया मॉर्निंग में, सर नेट इशू है। अच्छा है, तो बच्चे मॉर्निंग में मैसेज किए मुझे, एक दो बच्चे की, सर वो नेट इशू है, और आप अगर क्लास मतलब एडजस्ट कर लें तो ठीक है। तो क्लास पर एडजस्ट कैसे करेंगे, किसी और दिन लेना पड़ता। तो मैंने सोचा चलो देखते हैं जो भी है, क्योंकि आज ज्यादा कुछ तो अपन को पढ़ना नहीं है। हमारा लास्ट टाइम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पढ़ा था, इसके अलावा अपन थोड़ा सा क्वेश्चन डिस्कस कर लें। तो अब आपका होमवर्क बता दो, आप जो भी होमवर्क था ना उस होमवर्क को अपन डिस्कस कर लेते हैं भाई, क्योंकि होमवर्क तो अपने पास होगा, मैंने आपको दिया होगा होमवर्क, तो अब बता दो, क्योंकि यहाँ अपना सॉलिड स्टेट चैप्टर खत्म हो गया। अब अपना सॉलिड स्टेट चैप्टर खत्म हो गया तो फिर हमें नया चैप्टर शुरू करना पड़ेगा, और देखेंगे अपन नया चैप्टर मतलब कैसे क्या करना है अपन को। तो आप मुझे बताओ कि भाई क्या अपन को चेक करना है ना। तो होमवर्क में क्या दिया था वो आप मुझे बता दो, तो मैं उस हिसाब से फिर होमवर्क डिस्कस कर देता हूँ। शीट ले लेता है अपन,
ठीक है, तो आप लोग मुझे होमवर्क बता दो अपना, मतलब मैंने डीपीपी भी दिया होगा, शीट भी दिया होगा, तो अगर किसी का कोई होमवर्क है तो एक्सरसाइज टू का पार्ट वन अप टू 10 और डीपीपी 6 एंड 7। ठीक है, तो एक्सरसाइज टू का पार्ट वन अप टू 10 कर लेते हैं अपन, तो मैं इसको हटा रहा हूँ। सर तो शुरू करने वाले हो? हाँ, मैं सोच रहा हूँ फिर नया चैप्टर अपन, या फिर अपन शुरू करें या नहीं बताओ। कौन सा चैप्टर? फिर मैं इलेक्ट्रो केमिस्ट्री शुरू करूंगा, है ना, नया चैप्टर अपना इलेक्ट्रो केमिस्ट्री होगा। पहले पर होमवर्क कर लेते हैं, और नए चैप्टर में बस वही है कि भाई जिन बच्चों का नेट इशू है, क्योंकि कुछ कुछ बच्चों का नेट इशू है, तो अपन अगर शुरू करेंगे तो फिर उनका पूरा चैप्टर भी मिस होगा, थोड़ा सा वो प्रॉब्लम होगा। तो अपन क्या करें, शुरू करें या रुकें? सिक्स डीपीपी आपने कौन सा बोला? सेवन बोला था अपन ने, डीपीपी है ना, डीपीपी 6 7 बोला था। थर्मोडायनेमिक्स मैंने एक्चुअली अभी शुरू नहीं किया, वो शुरू करना है मुझे, लेकिन मैं, सर हाँ बोलो। लास्ट टाइम का जो थर्मोडायनेमिक्स था ना, 11th का, वो केएसपी सर ने BB1 बैच में चालू कर दिया और फिर बाद में छोड़ दिया, तो फिर वो कंटिन्यू होने वाला है कि नहीं कंटिन्यू होगा ना, उसको करेंगे ना, सर? बिल्कुल उसको अभी करेंगे। मन तो नहीं को आया कि लेक्चर ही नहीं हुआ उसका। अच्छा, नहीं वो दूसरे बैच में भी नहीं हुआ अभी, मतलब एक बैच है उसमें तो हुआ ही नहीं, तो लेकिन अब मैं सोच रहा था उनको रिपीटर बैच के साथ करवा देंगे, क्योंकि रिपीटर बैच को करवाना ही करवाना है, लेकिन अब प्रॉब्लम ये आ रहा है कि रिपीटर बैच के लिए तो कर भी नहीं सकते उनके साथ, उनको तो जल्दी करना पड़ेगा, क्योंकि अभी 17 से ही शुरू हो जाएंगे उनके एग्जाम्स, 17 को मेंस वाले एग्जाम शुरू हो जाएंगे, तो कल उनका थर्मो का क्लास है, लेकिन वो बहुत फास्ट जाएगा, क्योंकि उनको सिर्फ बताना होता है, कि पढ़ाना नहीं होता कि क्वेश्चन कैसे आएगा और कैसे सॉल्व करना है, उनको पढ़ाना नहीं है, तो उस क्लास में तुम्हारे किसी काम का नहीं होगा वो क्लास में, क्योंकि वो तो बहुत फास्ट जाएगा उसमें तो, है ना, उसमें तो तुम्हारे काम का ही नहीं होगा, तुमको समझ में ही नहीं आएगा चल क्या रहा है। ठीक है, तो मैं शुरू कर लें अपन, तो शीट से पहले अपन सॉलिड शीट का शीट निकाल देते हैं, मैंने आपको शीट भेजा था, वही शीट को निकाल देते हैं अपन और डिस्कस करते हैं। एक मिनट, शीट निकाल देता हूँ। बताओ भाई आपने शीट से अपना डाउट्स, तो शीट में अब आपका जो होमवर्क होगा ना, शीट आप पूरा सॉल्व कर सकते हैं, जो आपका होमवर्क होगा ना उसमें शीट से एक्सरसाइज वन का पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री रिमेनिंग पार्ट को कंप्लीट कर दो, सो कंप्लीट रिमेनिंग पार्ट, तो आप रिमेनिंग पार्ट को कंप्लीट कर दो। ठीक है, जो भी आपका पार्ट बचा हुआ है आप उसे खत्म कर देना। तो अब मैं शुरू कर लेता हूं, दैट इज आपने जो मुझसे क्वेश्चन पूछा है उसमें अपन से पूछा एक्सरसाइज टू के पार्ट वन का अप टू क्वेश्चन 10 मैंने आपको दिया था, तो उसमें आप बता दो मुझे क्या क्वेश्चन बताना है। आप लोगों ने किया है क्वेश्चन? टू सेवन एट, ठीक है भाई, सो एक्सरसाइज टू के पी वन का 2 7 8 दैट इज अ होमवर्क, तो मैं 2 7 8 डिस्कस कर देता हूँ आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो एक्सरसाइज टू के पार्ट वन का 2 7 8 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर टू इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर द आयनिक क्रिस्टल्स, दे पॉजेस हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ऑब्वियसली बात है दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, वन भी है, वन भी है और 5 9 भी है, चलेगा, वन भी है और 5 9 भी है, ठीक है, मैं वन भी बता दूंगा 5 9 भी बता दूंगा। तो पहले अपन क्वेश्चन नंबर टू ही कर देते हैं, दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, दैट इज करेक्ट फॉर द सॉलिड्स, ऑल आर इलेक्ट्रोलाइट्स, ऑल वी हैव सीन दैट, जितना भी अपन सॉलिड स्टेट में पढ़ रहे हैं ना,
they are having cationic and anionic both part. So all our electrolytes, ठीक है, मान लेते हैं अपन solids में सभी electrolytes होंगे. और लेकिन कहीं कहीं अपन को लगेगा कि जैसे ये सॉलिड है, अगर अपन लिखते हैं कि भाई ऑक्सीजन सॉलिडिफाई करते हैं तो ये इलेक्ट्रोलाइट जैसे नहीं होगा. तो अपन कहेंगे अगर वन ऑप्शन करेक्ट है तब तो हमें और ऑप्शन पढ़ने चाहिए, क्योंकि मोस्टली जो हमने पढ़े हमारे सिलेबस में थे वो सारे के सारे इलेक्ट्रोलाइट. एक्सिबिट द प्रॉपर्टी ऑफ आइसोमॉर्फिज्म, हाँ ये तो आपने पढ़ाया कि भाई आइसोमॉर्फिज्म होता है उसमें कि भाई जैसे अभी अपन ने लिखा ना कि मैग्नीशियम Fe2O4 था, तो अपन ने क्या किया इसका साइज और जिंक का साइज एक जैसा होता है, तो अपन ने उनको प्लेस कर रिप्लेस कर लिया जिंक से. सो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड आइसोमॉर्फिज्म, कि आप सेम साइज के कैटायन को किसी दूसरे कैटायन से रिप्लेस करते रहे. तो इन दोनों का साइज सेम होता है तो मैग्नीशियम की जगह अगर जिंक लिखेंगे तब भी करेक्ट है. सो वी विल से दैट यस दे विल एग्जिबिट द property of that. Exhibit directional properties in the bond. So directional properties ka matlab hai ki they are telling that directional property jaise HCl hota hai. So is bond ke electron chlorine ki taraf shifted hote hain, apan ko pata hai. That is called the directional property. Lekin agar apan iski jagah NaCl likhein to isme directional property nahi hoga. Why it is so? Because each sodium is not bonded with one chlorine. It is bonded with the And it is not bonded, it is attracted with the 6-chlorine in, right now, in octahedral voids. So, ek Cl aise bana denge apan, aur ek Cl aise bana denge apan. Ek piche hota hai, ek samne hota hai. To octahedral void mein matlab, a cation is equally attracted by the 6 anion in all direction. To agar sabhi direction mein hoga, to iska positive charge kisi ek direction mein attracted nahi hoga. So it will not be a directional bond. So ionic bond are called direction, non-directional bonds because wo alag alag direction mein hota hai. So exhibit directional properties. No, they are non-directional properties because they are solids. So generally they have non-directional properties. So ionic crystal ka matlab ho gaya ions ke baare mein baat kar raha hai. To apan iski baat nahi kar sakte because ionic crystal matlab cation aur anion ki baat kar raha hai. तो फिर ये वाला एग्जांपल नहीं ले सकते अपन. तो अपना सबसे अच्छा आंसर कौन सा हो जाएगा, दैट दे हैव दे एक्सिबिट द डायरेक्शनल प्रॉपर्टी दैट स्ट्रांग. सो बी वाला करेक्ट हो जाएगा बिकॉज दे आर इलेक्ट्रोलाइट्स. इफ दे आर आयनिक क्रिस्टल दे हैव टू बी इलेक्ट्रोलाइट्स. आयन्स होगा तो इलेक्ट्रोलाइट होगा. सो वी कैन रीड दैट दे आर इलेक्ट्रोलाइट्स. सो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था. अब क्वेश्चन नंबर 1 बस देख लेते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड्स आर नॉट करेक्टली मैच्ड विद द बॉन्ड्स found between the constituent particles. ठीक है, तो अपन कहेंगे देखो भाई solid CO2 van der Waals forces, yeah that's correct. अगर molecular होगा non-metal से बना हुआ molecule तो उनमें van der Waals forces होता है. और van der Waals forces कोई एक थोड़ी होता है, dipole dipole induced dipole right ना, instantaneous induced dipole, तो काफी सारे होते हैं. Graphite is a covalent in the van der Waals forces. हाँ, covalent solid का मतलब होता है जो giant molecule होता है. Covalent मतलब होता है giant molecule. और ग्रेफाइट एक बड़ा सा जाइंट मॉलिक्यूल होगा, जबकि मॉलिक्यूलर सॉलिड मतलब एक छोटा मॉलिक्यूल इस टाइप के, राइट ना. तो कोवेलेंट सॉलिड मतलब जैसे ग्रेफाइट है, डायमंड है, कार्बोरंडम है, सिलिकॉन है, लाइक दैट. फिर ग्रे कास्ट आयरन, तो अपन कहेंगे दीप भाई ग्रे कास्ट आयरन, हाँ तो ठीक है, हमें क्या फर्क पड़ता है, आप कास्ट आयरन लिखो, दैट इज प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन. कास्ट आयरन है मतलब इससे भी ज्यादा प्योर अपन उसको बना सकते हैं, बट इट इज नॉट द प्योरेस्ट. विल से दैट इट इज ऑलमोस्ट अ प्योर आयरन बिकॉज़ द जो सबसे पहले बनता है क्रूड आयरन दैट इज अ पिग आयरन. तो ग्रे कास्ट आयरन हम कहेंगे जो भी हो, आयरन लिखा ना आपने, देन इट इज अ मेटालिक सॉलिड, तो इट शुड बी अ मेटालिक सॉलिड. भाई मेटल लिखा ना आपने, सो इट शुड बी अ मेटालिक सॉलिड, तो ये गलत हो गया. ठीक है, metal alloys, yes, metallic solids होंगे. metal alloys में ion delocalize electrons, so metal alloys are ion delocalized. तो वो kernels जो बनाते हैं ना अपन, electron C model of metallic bonding. तो ये electron C model of metallic bonding की बात कर रहा है कि भाई electron C model of metallic bonding.
तो ठीक है, उसमें क्या होता है, तो आयंस जो होते हैं दे आर डीलोकलाइज, मतलब कंटिन्यूअसली मूविंग, एक्सचेंजिंग बिटवीन द आयंस, तो वो वही बोल रहे हैं कि भाई आयंस होते हैं और डीलोकलाइज होते हैं क्रिस्टल्स, ठीक है, अलॉयज में देयर इज नथिंग बट अ मेटालिक बॉन्ड. नेक्स्ट वी कैन राइट इज क्वेश्चन नंबर 5. तो फिर आपने मुझसे क्वेश्चन नंबर 5 पूछा है, तो 5 देख लेते हैं उसमें क्या है. तो 5 की अगर अपन बात करेंगे, इन अ सीसीपी यूनिट सेल, क्वेश्चन नंबर 5 है ये, वन था. अभी मैं क्वेश्चन नंबर 5 की बात करता हूं. इन अ सीसीपी यूनिट सेल, सीसीपी का मतलब होता है क्यूबिक क्लोज, सीसीपी जो होता है क्यूबिक क्लोजेस्ट पैकिंग, मतलब एफसीसी, क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग अपने क्लास में लिखा हुआ है. क्यूबिक क्लोज पैकिंग मतलब एफसीसी, एक्स वाई एटम्स, ठीक है, एक्स एटम आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स while the y atom at the face centers. So x atom at the corner, तो 1/8 × 8 एक x atom हो जाएगा. y atom at the face center, तो 1/2 × 6 y 3 हो जाएंगे face centers. Then the formula of the compound would be if one of the x atom from a corner is replaced by z atom. ठीक है, तो अपन कहेंगे अगर अपन एक एक्स एटम को, मतलब इसको वो चेंज करने की बात कर रहे हैं, तो अगर एक एक्स एटम को अपन रिप्लेस करते हैं जेड से, तो अगर आप एक एक्स एटम को जेड से रिप्लेस करोगे, इन दैट केस व्हाट आई विल डू, मैं इसको ऐसे कर लूंगा, भाई पहले एक्स एटम 1/8 × 8 था, अब 7 हो जाएगा, तो एक्स विल बिकम 7/8. और एक z को अपन ने एक को हटा के वहां z लगाया है, तो z अगर कॉर्नर पे होगा तो z विल बी 1/8. तो ये फॉर्मूला बन जाना चाहिए. तो पहले अपने पास x और y थे बस, अब आपने z इंट्रोड्यूस किया तो अपन बता देते हैं, तो वो भी मोनोवेलेंट है, तो अपन बता देंगे भाई ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला, x हो गया 7/8, y हो गया 3 और z हो गया 1/8. अपन 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं सबको, और 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो x हो जाएगा 7, y हो जाएगा 24 और z हो जाएगा 1. लो भैया आ गया, तो देखो जरा कहां आंसर गिवन है अपना, वो आंसर है, तो दैट इज व्हाट इट इज गिवन. इस टाइप के काफी सारे क्वेश्चंस किए, मतलब फार्मूला से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं, तो आई थिंक इसमें अपन को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन किए थे अपने, हर एक टाइप से क्वेश्चन किया, प्लेन से हटा दो, एटम के पोजीशन मतलब लैटिस पॉइंट से हटा दो, उस टाइप से बहुत क्वेश्चंस किए पड़ते हैं, है ना. 5 के बाद वी कैन राइट 7, 7, 8, 9, ठीक है, 7 को चेक कर लेते हैं. इन अ एससीपी मतलब सिंपल क्यूबिक सेल्स ऑफ एनाइंस, द साइड लेंथ ऑफ द यूनिट सेल मतलब एज लेंथ, द डायमीटर ऑफ द वॉइड एट द बॉडी सेंटर इज, तो अपन को पता है पॉइंट दैट इज डायमीटर, अगर अपन को कैलकुलेट करना है तो ऐसे बता देंगे. एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बनाएंगे ना सेवंथ वाले में, तो एससीपी यूनिट सेल का मतलब हो गया कि भाई आप यहां 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 और यहां, और इनके ऊपर चार एटम और रखते हो, तो आप इसको एससीपी में ऐसे बना सकते हैं, ये क्यूब है अपने पास, ये मैंने बता रखा है. अब एससीपी में अपन को पता है ये कॉर्नर वाले एटम आपस में टच करते हैं, ये ऐसे एक फेस दिखता है अपन को, तो वो कह रहा है कि द साइड लेंथ ऑफ द यूनिट सेल, साइड लेंथ मतलब 2r, सो 2r विल बी इक्वल टू 2.88, ये अपन को कह रहा है, तो r विल बी इक्वल टू 1.44, ठीक है. अब ये कह रहा है द डायमीटर ऑफ द वॉइड एट द बॉडी सेंटर इज, हमें एक बात पता है कि इधर वाला एटम और इधर वाला एटम दैट विल फॉर्म अ बॉडी डायग्राम, वो बॉडी डायग्राम बनाएंगे, राइट ना, वो एटम क्या बना सकते हैं, बॉडी डायग्राम. तो अपन ये देख लेते हैं कि उनके बीच में कितने बड़े साइज का एटम आ सकता है, तो अपन कहेंगे ठीक है, बॉडी डायग्राम विल बी इक्वल टू डायगोनल इज इक्वल टू √3 है, ये √3 होता है. अब अगर √3 होता है तो अपन को ए तो पता है, तो बॉडी डायग्राम विल बी √3 × 2.88, ये बॉडी डायग्राम. अब क्या,
तो फिर कहेंगे जब बॉडी डायगोनल आप बना रहे होंगे तो आपको पता है कि इधर कॉर्नर पे एटम है, इधर कॉर्नर पे एटम है, और बीच में एक छोटा एटम रखेंगे जो वॉइड में होगा, तो फिर कहेंगे ये ऐसे दिख रहा होगा, ये कॉर्नर वाला एटम है, ये वॉइड में रखा हुआ एटम है, और ये कॉर्नर एटम है। सो दिस इज अ बॉडी डायगोनल, बॉडी डायगोनल। तो आप बॉडी डायगोनल को क्या करो, ऐसे लिख लो, ये टू छोटा दैट विल बिकम अ डायमीटर छोटे एटम के लिए, प्लस टू कैपिटल आर इज इक्वल टू लिख लेंगे क्या, दैट इज रूट थ्री है। तो अपन लिख लेते भाई, ये डायमीटर पूछा है आपसे, छोटे एटम का डायमीटर यही पूछा ना अपन से, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ इन अ सिंपल क्यूबिक ऑफ ए नाइन, द साइड लेंथ इज गिवन, द डायमीटर ऑफ द वॉइड इन बॉडी सेंटर, तो इस वॉइड का डायमीटर पूछा है अपन से जो वहां पर प्रेजेंट है, तो अपन कहेंगे ठीक है भाई 2R plus 2 into R कितना given है 1.44 is equal to root 3, A अपन को given है 2.88, लो भाई अपना आंसर आ गया, कैलकुलेट कर लो। तो 2R पूछा है आपसे, तो 2R will be equal to that is root 3 into 2.88 minus ये तो 2.88 हो गया, लो भाई अपना आंसर आ गया, 2.88 कॉमन ले लेते हैं और root 3 minus 1 कर लेते हैं। So, root 3 अपन का पता है 2.88 1.732, है ना 1.732 माइनस 1, सो आप बता दो 2.88 इनटू 0.732, लो आपका आंसर आ गया, ठीक है ना, ये आपका आंसर आ जाएगा, तो आंसर हो गया अपना, बता देंगे अपन, मेरे ख्याल से किसी को डाउट नहीं होगा इसमें कैसे अपन ने कैलकुलेशन। थोड़ा सा अपन का ये चेक करना होता है कि भाई कैसे प्लेस्ड है, तो अपन ऐसे भी काफी पढ़ा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8 में गिवन है अपन को इन अ मल्टी लेयर्ड क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर, ठीक है। अब अपन कहेंगे देखो सर क्लोज्ड पैक में तो FCC भी हो सकता है और FCC भी हो सकता है और HCB भी हो सकता है, ठीक है। देयर आर ट्वाइस एज मेनी टेट्राहेड्रल होल एज मेनी क्लोज्ड पैक एटम, ठीक। तो वो कह रहा है कि भाई अपन को 8th वाले में क्यूबिक क्लोज पैकिंग की बात कर रहा है, सीपी मतलब FCC भी हो सकता है और HCB भी हो सकता है क्लोजेस्ट पैकिंग में, क्योंकि ये भी 74% होता है और ये भी 74% होता है, है ना सर। आपका स्क्रीन ब्लर है, स्क्रीन ब्लर आ रहा है, एक मिनट सर, ज्यादा ब्लर है तो देख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, इस पर से कर देंगे। अब ठीक होना चाहिए, देखो अब ठीक है, हाँ सर अब ठीक है, ठीक है। तो इसमें अपन कहेंगे देखो ये 74% तो क्लोजेस्ट पैकिंग ये दोनों है, तो अब अपन को एक बात अच्छे से पता है, नंबर ऑफ एटम्स दैट इज इक्वल टू जेड इफेक्टर, नंबर ऑफ ऑक्टेटल वर्ड्स is equal to Z effector, a number of tetrahedral voids, and now that will be equal to Z effective into, बस यही option में लिखा हुआ है। In a cubic closed packed, है ना, in a multi-layer closed packed structure, ये दोनों ही closed packed structure हैं, there are twice as many tetrahedral voids, tetrahedral holes, as many packed atoms. तो जो packed atom है, इनमें जो Z effective होता है, उसका twice tetrahedral void होता है, तो A option correct हो गया। B option में given था, there are many tetrahedral holes, as many closed packed atom. तो वो कह रहा है कि there are tetrahedral holes are that much as number of Z effective. वो तो गलत हो गया। There are twice as मतलब जो octetal hole होते हैं, वो twice होते हैं Z effective से, वो भी गलत हो जाएगा।
देर आर एज मेनी टेट्राहेड्रल होल एज मेनी ऑक्टाहेड्रल, तो ये दोनों बराबर के नहीं होते, डी वाला भी गलत हो गया, तो ए वाला करेक्ट ऑप्शन था, राइट। अब नाइंथ वाले की बात, नाइंथ वाले में आपको गिवन है इन अ कंपाउंड ऑक्साइड आयंस आर अरेंज्ड इन अ सीसीपी, क्यूबिक क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट है। सीसीपी मतलब एफसीसी, क्योंकि क्यूबिक क्लोज, सीसीपी मतलब एफसीपी है, एफसीसी। तो अपन नाइंथ वाले की बात कर लेते हैं भाई, तो अपन को नाइंथ में गिवन है सीसीपी मतलब एफसीसी। सो इन अ कंपाउंड ऑक्साइड आयंस आर प्लेस्ड, मतलब ओ एटम आर प्लेस्ड एट द, नहीं, ओ एटम फॉर्म्स एफसीसी अरेंजमेंट। सो एफसीसीसीपी और एफसीसी फॉर्म्ड बाय ऑक्सीजन एटम्स, ओ माइनस टू आयंस, ठीक है भाई। अगर आप ओ माइनस टू आयंस से बनाओगे तो मुझे तुरंत पता चल गया कि ऑक्सीजन उसमें फोर होंगे, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम अपने पास फोर आ गए, ठीक है। अभी कह रहे कैटायन ए ऑक्यूपाई 1/6 ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड, सो द टेट्राहेड्रल वॉइड्स अपन को पता है ना कितना है इसमें, तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स बाय ए एटम, तो भाई टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं आठ और 1/6 उसमें से ऑक्यूपाइड है, ठीक है, 8/6 होता है टेट्राहेड्रल वॉइड्स। ये एफसीसी स्ट्रक्चर था तो जेड इफेक्टिव उसका 4 आने वाला है, क्योंकि उसने कहा ना कि एफसीसी इज फॉर्मड बाय ऑक्साइड आयंस, देयरफॉर ओ माइनस टू आर 4 इन नंबर्स। तो जितना जेड इफेक्टिव होता है उसका ट्वाइस टेट्राहेड्रल वॉइड होता है, तो टेट्राहेड्रल ए को 8 होना चाहिए, लेकिन उसने कहा कि ए इज प्रेजेंट इन द टेट्राहेड्रल वॉइड बट इट इज 1/6 आर फिल्ड, तो पहले लिख लिया। And the cations B are occupied 1/3 of the octahedral voids. ठीक है भाई, तो octahedral voids by the V atom. So octahedral void लिख लेते हैं अपन, तो भाई अपन लिखेंगे octahedral voids by the B atom, and B atom होना चाहिए 4, क्योंकि Z effective जितना होगा उतना ही octahedral voids होंगे, लेकिन that is 1/3 are occupied. So multiply by 1/3. चलेगा। The formula of the compound is, हमें formula बताना है, तो हो गया ना formula, तो अपन कहेंगे देखो इसमें अपने पास ए आ गया 4/3, बी आ गया 4/3 और ऑक्सीजन आ गया 4, तो देयरफॉर अपन लिखते हैं भाई ए बी हो गया, ए हो गया 4/3, बी हो गया 4/3 और ऑक्सीजन हो गया अपने पास 4, तो ठीक है सबको 3 से मल्टीप्लाई करना, तो ए 4 बी 4 और ओ हो गया अपने पास 24, नहीं अरे 12, ठीक है राइट, और इसको डिवाइड कर देते हैं, तो ए बी ओ थ्री, ले भाई आंसर आ गया, ये आ गया अपने पास, ठीक है। किसी को डाउट है तो बोलो, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। सो दैट इज अबाउट द नाइंथ वन, है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चंस काफी किए थे, और मुझे लगता है जो पूछ रहा होगा ना उसने या तो वो लेक्चर मिस किया होगा तभी पूछ रहे हो, क्योंकि जब लेक्चर मिस होता है तभी अपन, अदरवाइज मैंने आपको कहा भी था कि इस टाइप के क्वेश्चंस दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, और मोस्टली यही चांस होता है कि इसी टाइप का क्वेश्चन पूछने के अपन से एग्जाम्स में। तो अब नेक्स्ट क्लास में आप ये पूरा ही कर लो, आप एक्सरसाइज 2 का पार्ट 2, है ना, क्योंकि अपन सब कुछ खत्म कर चुके हैं। सो एक्सरसाइज 2 का पार्ट 2, पार्ट 1 आप कंप्लीट कर लो, और पार्ट 2 सिंगल एंड डबल डिजिट इंटीजर्स हैं, तो मुझे लगता है पार्ट 2 भी कर लेना चाहिए, है ना, तो पार्ट 2 भी कर लो बाकी होमवर्क, क्योंकि फिर ज्यादा हो जाएगा, है ना, क्योंकि उससे ज्यादा अपन अभी तक नहीं कर पाएंगे, ये आपका होमवर्क था नेक्स्ट क्लास के लिए। अब आप डीपीपी भी बता सकते हो, 6 और 7, डीपीपी नंबर 6 और 7, तो डीपीपी डिस्कस कर लेते हैं। सर आप डीपीपी नंबर का फर्स्ट क्वेश्चन रीड कर सकते हो क्या? एक मिनट में बता देता हूँ, डीपीपी का फर्स्ट क्वेश्चन रीड कर देता हूँ, रीड कर देता हूँ बिल्कुल, एक मिनट, 6 डीपीपी ना,
DPP number 5, DPP number 6. 6 का फर्स्ट वाला क्वेश्चन जो है ना, दैट विल बी इन अ रिएक्शन ऑफ ए प्लस बी प्लस हीट गिव्स यू ट्वाइस ऑफ सी. हाँ सर. तो बताओ अगर कोई डाउट है डीपीपी नंबर 6 में. तो अगर डीपीपी 6 में किसी का डाउट है तो आप बता सकते हैं, आंसर्स मैंने आपको भेज रखे थे. तो डीपीपी नंबर 6 में कोई डाउट है किसी को तो बता सकता है भाई. डीपीपी नंबर 6 और 7 दिया था मैंने. क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है. और किसी का कोई डाउट है मेरे पास? 2, 3, 6, 7, ठीक है. 2, 3, 6, 7 आया. और कोई डाउट है तो बोलो. टू थ्री सिक्स सेवन नाइन 12, 13, ठीक है. 9, 12, 13. तो शुरू कर लेते हैं, है ना. मुझे लगता है अगर किसी और को कोई डाउट होगा तो आप पूछ ले. तो डीपीपी अपन डिस्कस कर लेते हैं. यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 में अपन को गिवन है द, इसको हटा दे. क्वेश्चन नंबर 2 में गिवन है द E by M रेशियो फॉर कैथोड रेस, ठीक है. कैथोड रेस आर नेगेटिवली चार्ज रेस. सो E by M का मतलब हो गया दे आर इलेक्ट्रॉन ना स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन कैथोड रेस. तो चार्ज हो गया इनका 1.602 × 10⁻¹⁹. और अगर इलेक्ट्रॉन होता है तो मास होता है 9.1 × 10⁻¹⁹ का. तो हां बोलो. स्क्रीन ब्लर. अरे यार स्क्रीन ब्लर क्यों हो रहा है? एक मिनट. अभी मॉर्निंग में प्रॉब्लम शुरू हो गया आज. एक मिनट, ठीक है. आप बताना अभी. मेरा भी ब्लर दिखा रहा है, किसी और का हो रहा है क्या? फिर मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम है. अच्छा 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 भाई, किसी और का स्क्रीन ब्लर है क्या? हाँ. क्या ठीक है सर. हाँ सर. हाँ तो फिर मेरा. हाँ सर. रुको, फिर मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम होगा फिर, मतलब तुम्हारा नहीं होगा फिर, मेरा होगा नेटवर्क प्रॉब्लम. एक मिनट रुको. नेटवर्क भी बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है. चलो अब बताओ. अब ठीक है. अभी ब्लर है. हो गया सर. ठीक हो गया सर. ठीक है चलो अपन देखते हैं. तो बीच में कभी कभी मे बी पॉसिबल है. तो देख, कैथोड रेज तो स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना. कैथोड रेज का मतलब हो गया दैट इज स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो इज स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना. दे आर नेगेटिवली चार्ज रेज. तो अपन क्या बोलते हैं, कैथोड रेज में चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ले लो और आप मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ले लो और कैथोड रेज का ई बाई एम बता दो.
अब ये तो दोनों ही कांस्टेंट वैल्यू है, तो ये तो कांस्टेंट ही रहेगी। तो अपन कहेंगे कैथोड रेज के लिए E by M रेशियो फॉर कैथोड रेज इज अ कांस्टेंट। हाँ बिल्कुल, बाकी और क्या ऑप्शन है, कोई एक तो पढ़ते ही है। वेरीज एज द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट फॉर्मिंग द कैथोड रेज इन अ डिस्चार्ज ट्यूब चेंजेस। नहीं नहीं हाइड्रोजन होता है तो अपन को पता है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो होता है पहले हाइड्रोजन में कन्वर्ट होगा, बाद में हाइड्रोजन आयन में कन्वर्ट होगा और इलेक्ट्रॉन होगा, तो कैथोड रेज तो ये बनाते हैं। अगर अपन कहेंगे भाई नहीं मेरी मर्जी मैं तो ऑक्सीजन लूंगा, तो आप ले लो ऑक्सीजन ले लो, ऑक्सीजन एटम में कन्वर्ट होगा, ऑक्सीजन विल गेट कन्वर्ट इनटू पॉजिटिव एंड कैथोड रेज तो यही बनाएंगे। तो एलिमेंट कोई भी हो कैथोड रेज आर इंडिपेंडेंट ऑफ द एलिमेंट व्हिच आर फॉर्मिंग द कैथोड रेज, सो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द गैस प्रेजेंट इन द ट्यूब। वो जो जो था हम सब का डिस्कशन था, सो दैट इज क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर थ्री देखते हैं अपन। द टाइम टेकन फॉर द सर्टेन वॉल्यूम ऑफ अ गैस एक्स टू डिफ्यूज थ्रू द स्मॉल होल इन 2 मिनट्स इज 2 मिनट्स। इट टेक 5.65 मिनट्स फॉर द ऑक्सीजन टू डिफ्यूज थ्रू द सिमिलर होल्स। कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द गैस। ठीक है, आपने लिखा है कि सर्टेन वॉल्यूम ऑफ अ गैस, तो अपन को पता है भाई रेट ऑफ अपन लिख लेंगे O2 divided by rate of x will be equal to under root of molecular mass of x divided by molecular mass of O2। रेट को अपन लिख सकते हैं वॉल्यूम के टर्म्स में V of O2 divided by T of O2 will be into T of x divided by V of x that will be equal to under root of molecular mass of x divided by molecular mass of O2। वॉल्यूम अपन को सेम गिवन है तो उनको हटा लेते हैं भाई, वॉल्यूम अपन को गिवन है सेम। The time taken for the certain volume of gas X differs through the hole is 2 minutes. It takes oxygen for this much for under similar condition. So volume दोनों के लिए same होगा। तो अपन क्या करेंगे? Time for X हमें given है, that is 2. Time for O2 मुझे given है 5.65. तो equal to कर लेता हूँ भाई, that is molecular mass of X calculate कर देता हूँ और ये 32 हो गया। हो गया मेरा answer। ये question आ जाएगा। अब बताओ, मुझे लगता है तो ग्राम स्लॉप डिफ्यूजन था, इट्स वेरी इजी ना, उनको फॉर्मूला याद होना चाहिए, फॉर्मूला याद होगा तो अपन कर लेंगे। सो दैट इज द क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर फोर की बात कर लेते हैं भाई, फोर तो नहीं पूछा था, थ्री के बाद देते सिक्स, तो सिक्स की बात। क्वेश्चन नंबर सिक्स में आपने कहा था एट विच टेम्परेचर द रिएक्शन विल बी नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है ना सर, ये थर्मो का क्वेश्चन है क्या? हाँ सर, तो सिखाया नहीं इसके लिए पूछा। अच्छा तो अपन ना एक काम करते हैं कि मैं क्वेश्चन तो कर ही सकते हैं क्योंकि ये थोड़ा बहुत ऐसे अपन ने पढ़ा हुआ है। देख डेल्टा जी इज इक्वल टू होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये तो अपन ने केमिकल इक्विलिब्रियम में भी पढ़ा, और अपन ने पढ़ा एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी इज इक्वल टू जीरो, ये जीरो होता है। अब अपन सबको पता है कि भाई इफ डेल्टा जी इज नेगेटिव देन रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, इज स्पॉन्टेनियस, एंड इफ डेल्टा जी इज पॉजिटिव देन रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस। तो अपन क्या कर सकते हैं कि भाई अगर इसको पॉजिटिव बनाना है तो इसका वैल्यू बड़ा होना चाहिए इससे, नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा क्योंकि पॉजिटिव होगा तो नॉन स्पॉन्टेनियस, और इसका वैल्यू अगर जीरो आया मतलब ये दोनों अगर इक्वल होंगे तो फिर अपन कहते हैं इक्विलिब्रियम में रिएक्शन। तो ठीक है, अपन ऐसे करते हैं कि इसको बड़ा बनाने के लिए इसको बड़ा बता देते हैं इससे। सो फॉर नॉन स्पॉन्टेनियस स्पॉन्टेनियस अपन कहेंगे डेल्टा एच मस्ट बी ग्रेटर देन डेल्टा डेल्टा। तो अपन टी बता देंगे भाई, टेम्परेचर पूछा था शायद उसने अपन को, है ना, तो टी विल बी इक्वल टू आ जाएगा अपने पास डेल्टा एच अपन, तो टी मस्ट बी ग्रेटर देन कितना डेल्टा एच अपन डेल्टा, ये कर लेंगे। तो उसने अपन से स्पॉन्टेनियस पूछा है ना सर, टी शुड बी लेस देन, नो नहीं मैं ये देख रहा हूँ कि इसने अपन को स्पॉन्टेनियस पूछा या नॉन स्पॉन्टेनियस पूछा, तो उसने अपन को पूछा है नॉन स्पॉन्टेनियस। हाँ तो टेम्परेचर को अपन निर्धारण करते हैं,
लो भाई अपना आंसर आ गया। तो T must be less than delta H upon delta S, ले भाई हो गया। या और ज्यादा कंफ्यूजन नहीं करना, आप क्या करो इसको जीरो ले लो, जीरो लिखो तो ऐसे कर लो एट इक्विलिब्रियम, वी अस्यूम इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम। और इक्विलिब्रियम में क्या होता है, बड़ा इजी होता है, अपन को ये कैलकुलेट कर लेते हैं और बाद में बता देंगे, अपन को पता है अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, और अगर टेम्परेचर कम करोगे तो बैकवर्ड ही रहेगा तो नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। तो ये टेम्परेचर कैलकुलेट कर लेते हैं, इससे कम टेम्परेचर होगा तो रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस, क्योंकि उससे कम टेम्परेचर होगा तो ये वैल्यू छोटा होगा, अपन ने इक्वल ले लिया, और अगर इसका वैल्यू छोटा करेंगे तो फिर आंसर आ जाएगा, तो डेल्टा जी पॉजिटिव हो जाएगा। तो लिख लेते हैं भाई कितना गिवन है अपन को, -176 किलो जूल को जूल में कन्वर्ट करता हूं, और डिवाइड बाय डेल्टा एस कितना गिवन है अपन को, -284.5, तो पहले से जूल्स में, ये भी जूल्स में, ये भी जूल्स में, कैलकुलेट कर देते हैं, जो टी आएगा वो अपना आंसर हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से इसमें से एक जीरो निकाल के यहां डालते हैं और ये ऑलमोस्ट 3 हो गया, तो 3 6 18 600 इन कुछ आंसर आएगा अपना, तो इसमें से 600 वाला कोई आंसर है, 680 है, बता देंगे राइट। बोलो कोई डाउट है तो, अगर किसी को डेल्टा एच नेगेटिव है इसमें, अपन को यह ध्यान रखना पड़ेगा कि डेल्टा एच पॉजिटिव है या नेगेटिव है, क्योंकि अगर डेल्टा एच नेगेटिव है तो इस टेम्परेचर से मान लेते हैं अपन अपना ये 600 के आसपास आ रहा था और ये थोड़ा छोटा है तो बड़ा, सर, इसको 580 लेंगे ना, क्योंकि इससे लेस होना चाहिए ना। रुक जा, वही तो बता रहा हूँ, इसलिए तो मैं आंसर लिख रहा हूँ, वरना मैं छोड़ देता ना आंसर की, मतलब बाकी तुम कर लेना। अब पता क्या होगा, अपन क्या कहेंगे, अपन कहेंगे देखो हमें एक बात पता है कि अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है, जैसे A gives you B plus एनर्जी, तो अपन को पता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन में अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रिएक्शन बैकवर्ड आएगा, कोई भी इक्विलिब्रियम रिएक्शन। बैकवर्ड का मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड कम जाएगा। अब ये अपन को डेल्टा एच गिवन है नेगेटिव, इसका मतलब अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा ना इससे, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट होगा, दैट इज नॉन स्पॉन्टेनियस। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, अगर आप टेम्परेचर कम रखोगे तो फेवरेबल कंडीशन, फेवरेबल मतलब फॉरवर्ड जाने वाली कंडीशन, तो डेल्टा एच के साइन का भी ध्यान रखना पड़ेगा। अगर वो पॉजिटिव होता तो अपन कहते हैं इस टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे, पॉजिटिव का मतलब हो गया एंडोथर्मिक रिएक्शन, तो उससे ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे तो स्पॉन्टेनियस होगा, या तो वो एक्सोथर्मिक है। तो अगर अपन को नॉन स्पॉन्टेनियस बनाना है तो आप क्या करो, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ा दो, बैकवर्ड आ जाएगा, इस टेम्परेचर पे तो इक्विलिब्रियम आएगा, समझा ना। हाँ सर ठीक है, सेवेंथ वाले की बात करते हैं। तो सेवेंथ वाला क्वेश्चन अपने पास, इसको डाल लेता हूं, सेवेंथ वाले क्वेश्चन में अपन को गिवन है 0.1 मोलर सोडियम एसिटेट वाज प्रिपेयर्ड, KHO वैल्यू इज गिवन टू अस, द करेक्ट स्टेटमेंट इज, ठीक है ना। तो देखना सोडियम एसिटेट है और इसका कॉन्सेंट्रेशन गिवन है 0.1 दैट इज सी, और के एच भी गिवन है, इसका कितना गिवन है अपन को 5.6 × 10^12। तो अपन कहेंगे डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, ठीक है सीधा फॉर्मूला लगा दूंगा के एच बाय सी, ए ऑप्शन। बी ऑप्शन की बात करते हैं, बी ऑप्शन में ओ एच माइनस है, ये बेसिक सॉल्ट है तो सीधा ही लिख देंगे फिर क्या पूछा अपन से, OH- आयन B और C दोनों में है, तो अगर B सही होगा तो C नहीं होगा, C सही होगा तो B नहीं होगा,
पीएच इज अप्रोक्सीमेटली 7 ना बिकॉज दिस इज बेसिक सॉल्ट तभी तो मैंने ओएच लिखा अंडर रूट ऑफ पीएच तो अपन इसका आंसर चेक कर लेते हैं तो पहले अपन को डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस बताना था तो ये लोग बता दिया 5.6 into 10 to the power of minus 10 divided by C is 0.1, right now? ठीक है. तो अपन 0.1 की बात करेंगे तो we'll write that इसको एक तो cancel कर लेते हैं तो 56 बना लेंगे फिर इसको. तो अपन क्या करते हैं? इसको ऊपर नीचे 10 से multiply कर देते हैं. तो इसको लिख लेते हैं 56 into 10 to the power of minus 10. अब 56 होगा तो 4. कितना आ जाएगा आपके पास? 7, 7 4, 9, 8, 64. सही किया ना मुझे कैलकुलेशन का ही वो लग रहा है अपन को डिग्री होगा तो मैंने ऐसे क्यों लिखा 4 क्यों लिखा मैंने 4 कैसे आया 4.2 कैसे किया क्योंकि मैंने वही तो कहा 7, 7 जा 49 होगा और 8, 8 जा 64 होगा तो 4.2 कैसे आ गया 7.4 मतलब उतना ही लिखना था 7 से ज्यादा ही लिखना चाहिए था मैंने तो इतना आंसर आ जाएगा बिल्कुल फिर दूसरा अपन लिखेंगे ये वाला तो इस वाले में अपन लिखेंगे KH KH is 5.6 into 10 to the power of minus 10 into 10 के power of minus 1 0.1 मतलब minus 1 तो इसको भी अपन 56 into 10 to the power of minus 12 कर लेते हैं फिर 7.4 into 10 to the power of minus 6 that is much more तो ये तो 7.4 minus है ना अगर अपन OH है तो कैलकुलेट कर लेंगे so we got that OH minus sign is equal to 7.4 into 10 की power minus 6 वो भी अपना करेक्ट आ रहा that is 7.48 into 10 to the power of minus 6 the correct statement is इसमें तो बहुत सारे करेक्ट हो गए मतलब सी वाला तो बिल्कुल करेक्ट है 7.48 into 10 की power of minus 6 तो ए वाले में क्या प्रॉब्लम था अच्छा ए वाले में 10 की power minus 4 है अपना 5 आ रहा है 5 आना चाहिए that is तो ए वाला गलत है बट सी वाला करेक्ट है ना दैट इज द आंसर क्वेश्चन नंबर 9 भी पूछा है अपन से तो अपन क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 9 में चलो चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है 9 में हमको गिवन है दैट इज अगेन इट इज थर्मोकेमिस्ट्री तो थर्मोकेमिस्ट्री में अपन को बस ये बताना है कि अपन को इसमें डेल्टा एच तो रिएक्शन अपन को गिवन है Fe2O3 thrice of CO दैट इज इन गैसियस स्टेट दिस इज सॉलिड इट गेट कन्वर्टेड इनटू 3CO2 प्लस thrice of Fe ये लिक्विड है ये गैस है तो अपन को पता है डेल्टा एनजी विल बी इक्वल टू 0 क्योंकि हम डेल्टा एनजी में सिर्फ ये यूज करेंगे और अपन को जो रिलेशन गिवन है वो गिवन है डेल्टा एच नॉट इज इक्वल टू होता है डेल्टा ई नॉट प्लस डेल्टा एनजीआरटी होता है ये अपन को पता है तो डेल्टा एनजी अगर जीरो होगा तो वी नो दैट दिस टू आर इक्वल ये अपना आंसर हो जाएगा अगर डेल्टा एनजी जीरो है तो क्वेश्चन नंबर 12 में वी आर गिवन लाइक दैट तो अब 12 वाला क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन इट इज अ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन और ये काफी बढ़ते हैं अपन मतलब मेरे ख्याल से मोल कॉन्सेप्ट में जब अपन मोल कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो उसमें अपन डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन पढ़ते हैं तो ये एग्जांपल जरूर आता है तो अब इनको पता होता है उस टाइम कि भाई 12th वाले क्वेश्चन में कि अगर हम Br2 या फिर Cl2 या फिर I2 को अगर अपन NaOH से रिएक्ट करेंगे ना और ये NaOH होगा डाइल्यूट NaOH तो इसमें बनेगा NaBr अगर Cl होगा तो NaCl I होगा तो NaI प्लस NaOBr दैट इज ऑक्सीब्रोमाइड प्लस वाटर वो अपना प्रोडक्ट होता है ठीक है ये प्रोडक्ट होता है और अगर अपन इसकी जगह Br2 Cl2 और I2 अगर इनमें से कोई है लेकिन अपन NaOH यूज करते हैं कॉन्सेंट्रेटेड
या फिर हॉट भी लिख सकता है, और हॉट एनएच मतलब उसको अपन गर्म भी कर दें तब भी अगर को यही प्रोडक्ट मिलेगा। तो उस केस में बनेगा एन ए बी आर और प्लस एन ए बी आर ओ थ्री बनेगा, उस केस में बी आर ओ थ्री प्लस एच टू, सो दिस इज द प्रोडक्ट। इसमें अगर प्रोडक्ट चेक करेंगे तो ये तो प्लस वन होता है, ये माइनस वन होता है, ये भी प्लस वन होगा, ये प्लस वन होता है, ये प्लस फाइव होगा क्योंकि ये माइनस सिक्स होगा। सो वी गॉट द ऑक्सीडेशन स्टेट, मेरे ख्याल से बोल से यही पूछा था, व्हाट आर द ऑक्सीडेशन स्टेट्स बता सकते, दीज आर द ऑक्सीडेशन स्टेट्स। क्वेश्चन नंबर 13 भी पूछा है, 13 में गिवन है अपन को, दैट इज अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम मेटल इन अ लिक्विड अमोनिया स्ट्रांगली रिड्यूसिंग एजेंट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। भाई अगर कोई रिड्यूसिंग एजेंट होगा, अगर मैं आपसे पूछूंगा लिथियम एंड सीजियम बताओ कौन सा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, तो अपन कहेंगे रिड्यूसिंग एजेंट इलेक्ट्रॉन देते हैं, तो दिस इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट। तो अपन कहेंगे सोडियम को अगर हम वाटर में ऐड करेंगे तो ये अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, तो अपन कहेंगे नहीं, क्योंकि वाटर में इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, ये तो रिएक्ट कर जाएगा वाटर और ये बना देगा, तो फिर मुझे इससे इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो फिर अपन कोई ऐसे सॉल्वेंट में लेते हैं जिससे कि ये इजीली रिएक्ट ना करे अमोनिया की तरफ। तो अमोनिया में क्या होगा, ये सोडियम आयन बनाएगा और प्लस इलेक्ट्रॉन बनाएगा, ये रिएक्ट नहीं किया सोडियम के साथ, लेकिन ये क्या करेगा सॉल्वेंट जरूर हो जाएगा सोडियम से, वो अमोनिया से, अमोनिया से सॉल्वेंट होगा तो ऐसे हो जाएगा NH3 और इस पर डेल्टा नेगेटिव, NH3 और इस पर डेल्टा नेगेटिव ऐसे बन जाएगा, और इसमें हाइड्रोजन होगा ऐसे डेल्टा पॉजिटिव और ये NH3। वो सॉल्वेशन की वजह से, इलेक्ट्रॉन के सॉल्वेशन की वजह से ये प्रोसेस जो है वो एक्सोथर्मिक भी होगा और स्पॉन्टेनियस भी हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और सोडियम दोनों ही स्टेबलाइज हो रहे हैं ड्यू टू सॉल्वेशन बाय अमोनिया, तो फिर सोडियम की इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी क्योंकि ये दोनों स्टेबल बन रहे हैं, इसकी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी, सो दैट बिकम्स अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। दैट इज क्वेश्चन नंबर 13, राइट। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 13 था, और कोई डाउट है तो बोलो, डीपीपी नंबर 6 में, टीपीपी नंबर 6 में और कोई डाउट है तो बोलो, कोई डाउट किसी को डाउट नहीं डीपीपी नंबर 6 में, तो 7th वाला डीपीपी पर को डिस्कस करना है, तो 7th वाला डीपीपी पर, 7th वाले डीपीपी में तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, अगर आप चाहें तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज में फिर आगे पढ़ते हैं अपन, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री शुरू कर सकते हैं अपन, है ना, आगे पढ़ सकते हैं अपन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री शुरू कर सकते हैं अपन। डीपीपी नंबर 6 में अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, नेक्स्ट टाइम के लिए आपके पास होमवर्क भी है डीपीपी नंबर 6 में, अगर कोई डाउट है तो किसी को तो पूछ सकता है डीपीपी नंबर 7 में, 6 तो पर, और 6 में भी अगर किसी को डाउट है तो पूछ ले। एनी डाउट रिलेटेड टू द डीपीपी नंबर 7 और 6, 7 और 6 में अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। तो डीपीपी नंबर 7 में एक ही क्वेश्चन आया बस, क्वेश्चन नंबर 10 मतलब काफी इजी रहा होगा, डीपीपी इजी होगा फिर तो, अपने पास एक ही क्वेश्चन आया द क्वेश्चन नंबर 10, तो ठीक है, एक मिनट 10th वाले को निकाल देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में अपने पास गिवन है डीपीपी में, तो मैच द फॉलोइंग ना, अपने पास ऐसे की बने तो सबके पास डीपीपी है, मैं बोल देता हूं उसमें, एसिटाइल एसिटोनेट
ठीक, तो अपन को पता है कि देख भाई एसिटाइल एसिटोनेटो का मतलब होता है मेरे पास, अच्छा उसका सी बताना है, डाइमेथाइल ग्लाइओक्सेन, ठीक है, तो डाइमेथाइल ग्लाइओक्सेन इज लाइक दिस ना, दिस इज ऑक्साइड, इसको कहते हैं अपन ऑक्साइड, ठीक है, वो आपने पढ़ा होगा एल्डोक्साइन वगैरह सिनेप्टिक में, और डाइमिथाइल हो जाएगा तो एक मिथाइल इधर लिखता हूं, और दिस इज डाइमिथाइल ग्लाइकोसाइड, दिस इज डाइमिथाइल ग्लाइकोसाइड, सो डीएमजी इज दस, इसके पास भी लोन पेयर्स होते हैं, इसके पास भी लोन पेयर्स होते हैं, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, बिल्कुल रेजोनेंस फेनोमेना तो है उसमें, राइट, सो विल राइट दैट रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड तो है। दूसरा देखते हैं मोनो एनाइन, यस, इसमें ना कोई एक ही एनाइन बनाएगा, या तो ये वाला या फिर ये वाला, क्योंकि निकल के साथ आपने डीएमजी कॉम्प्लेक्स पढ़ा होगा, ऐसे एनआईडीएमजी ये होता है, ऐसे कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन नंबर 4 स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, तो इसमें Ni प्लस 2 होता है क्योंकि ये माइनस 1 होता है, तो दो होंगे तो माइनस 2 हो जाएगा, सो इट विल फॉर्म मोनो एनाइन, कोई दोनों में से कोई एक ही एनाइन बनेगा, इट्स अ मोनो एनाइन। कीलेटिन लिगेंड्स, ऑब्वियसली बात है, कीलेशन मतलब रिंग फॉर्मेशन, तो मेटल आयन अगर गिवन है तो ये दोनों रिंग फॉर्म करते हैं, दैट इज अ कीलेटिन। एम्बिडेंट लिगेंड, तो अपन कहेंगे नहीं भाई ये एम्बिडेंट लिगेंड नहीं है क्योंकि डोनर साइड एक जैसे एटम्स है, सो इट कैन नॉट बी द एम्बिडेंट लिगेंड, क्योंकि एम्बिडेंट लिगेंड का मतलब है जिसमें डोनर साइड अलग अलग टाइप के एटम्स है, दैट इज कॉल्ड एम्बिडेंट। फिर मोनोडेंटेट लिगेंड, तो अपन कहेंगे नहीं ये तो बाइडेंटेट लिगेंड है क्योंकि इसमें दो डोनर साइड है, तो हो गया अपना आंसर, दैट इज हाउ वी कैन राइट, सो अपना आंसर पी क्यू आर आर था, दैट इज। अब बताओ भाई किसी को डाउट है तो, और किसी को कोई डाउट है तो बता सकते, डीपीपी नंबर 7 में किसी और को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, कोई डाउट नहीं, डीपीपी नंबर 7 इजी है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड इट इज वेरी इजी, तो ठीक है, फिर डीपीपी नंबर अपने पास 8 और 9 होमवर्क जैसे रहे, ठीक है, तो लेकिन इतना सारा तुम कर थोड़ी पाओगे, फिर तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि डीपीपी अगर होमवर्क में दूंगा तो तुम लोग फिर इतना होमवर्क नहीं करने वाले, तुम लोग सोचोगे छोड़ो ना इतना सारा होमवर्क है कौन करता है, तो अपन डीपीपी के लिए वेट करेंगे थोड़ा सा, ठीक है ना। 8 तक अपना डीपीपी डिस्कस हुआ, और ऐसा नहीं है कि जो डिस्कस हो गया डीपीपी और अगर किसी ने पहले सॉल्व नहीं कर पाया तो वो नहीं पूछ सकता, आपने अगर डीपीपी 1 में से भी अगर कोई डाउट है तो आप वो डाउट भी पूछ सकते हो, मतलब इट इज नॉट लाइक दैट कि नहीं नहीं वो अब डीपीपी 8 सर ने डिस्कस कर दिया तो अब कोई उससे डाउट नहीं पूछ सकता, आप पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम, कोई भी क्वेश्चन पूछो कोई दिक्कत नहीं, आप डीपीपी 1 से पूछो अभी भी तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो ये अपना मतलब दैट इज राइट सॉलिड स्टेट, ठीक है, अब अपन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री शुरू कर सकते हैं। सर आप बोले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नेक्स्ट लेक्चर से ना, अच्छा मैंने कहा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नेक्स्ट लेक्चर से, तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए फिर यार अपने पास टाइम तो बचा हुआ है, काफी टाइम है, फिर आप बताओ कुछ क्वेश्चंस कर लें या होमवर्क करना है या कुछ और करना है, बोलो, आप पे डिपेंड करेगा, हम पे डिपेंड करेगा, तो मैं कहूंगा फिर अपन क्वेश्चन ही कर लेते हैं, या फिर मतलब बताओ जैसे तुम लोग कहोगे वैसे कर लेंगे, या कहोगे कि नहीं आज हो गया बहुत हो गया आज, तो फिर बहुत भी हो सकता है आज, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्योंकि इंट्रोडक्शन टाइप तो अपन कर ही सकते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का थोड़ा सा, है ना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है ना, मुझे भी ऐसे लग रहा है कि मतलब थोड़ा स्टार्ट, बोलो सर पढ़ाई से लग थोड़ा स्ट्रेटेजी वगैरह बता दो ना, मतलब कुछ
पढ़ाई करने के, थोड़ा मोटिवेशन दे दो सर। पढ़ाई करने के लिए देखो, मतलब अगर अपन कोई मोटिवेशन की इंट्रो कर लेते हैं, उसमें इंट्रो में भी ज्यादा वैसे